आइए गाना आ रहा है, आया है। गाना गिरा है बहुत सोच समझ के बोलना आपको, हिदायत दे रहे तुम लोगों को। नजर नट करो लग जाए, अरे नजर नट करो लग जाए इस हुस्न की काटी में, इस हुस्न की काटी में एको बिछुआ दुई चार मिर्ची लटका लो चोटी में। इसलिए जब हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ गाना गाइए, और जिस तरीके से हम कार्यक्रम दे रहे हैं उसी तरीके से देने का प्रयास करिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए। अब हम लोग के अंदर बदलाव आ गया है। अरे स्वर्ग स्वर्ण की बनी लंका, बनी लंका सागर में सवर जाती, सागर में सवर जाती एक बप्पा, एक बप्पा है पापा, एक बप्पा एक लाख पूत और सवा लाख नाती, एक लाख पूत सवा लाख नाती, और रावण है उसका बाप उनके नाती। ये है सुनेगा, अरे एक बप्पा एक लाख पूत और सवा लाख नाती, एक बप्पा एक लाख पूत और सवा लाख नाती, एक बप्पा लाख नाती, अरे एक बप्पा सवा लाख पूत और एक बप्पा एक लाख पूत और सवा लाख नाती। बोले सच्चे दरबार की जय। आइए एक गाना आपकी तरफ से और आया है, उसको भी आप सुने। बिल्कुल बिल्कुल सुने भैया, सुने सुने। जवानी सो रही थी ओल के लंबी बहारों में, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश। कमियां निकाली जा रही हैं, ये होना चाहिए था, ये नहीं है, वो नहीं है, आपने कोई सारे जवाब अच्छे नहीं दिए। लेकिन मैंने टोका इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे बोलना ही नहीं चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यक्रम चल रहा था, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप खामा खा बातें बोली, और मैं फिर भी नहीं बोलता, आप फिर बोलती चली जा रही हैं, ये जवाब गलत है, वो जवाब गलत है। अभी आप कह रही थी कि शिवजी ने कहा, शिवजी ने पार्वती से कहा यानी सती से कहा कि मैं तुम्हारा साजन नहीं, तुम मेरी रानी नहीं। अभी कही देखे रामचरितमानस दिखाओ कि कहा शिवजी ने पार्वती, कहा सती से कहा है, कहा नहीं है। जितनी बातें आप बोल गई ये है ही नहीं। एतन सती भेट मोइनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। ये बात मन माही, मन में सिर्फ सोच लिया, समाधि लगा के बैठ गए। सन्मुख शंकर आसन दीना, यहां तक कि कोई जान नहीं पाया, आकाशवाणी हुई, धन हो भगवान भोलेनाथ जो आपने ऐसा प्रण लिया, तब माता सती जान पाई। बिल्कुल, आपने कोई अच्छे जवाब नहीं दिए,
लेकिन मैं कह नहीं रहा था। आप कह रहे थे छोटा आ सब में आता है, जितने भी अक्षर होते हैं सब में आता है। ये गौरी लिखा है, इसमें छोटा आ दिखा दो। ये गौरी लिखा है, छोटा आ दिखा दो उसमें। लगे बड़े हैं, बस हो ही गया। छोड़ा बहुआ छोड़ा। चुरा लाया मैं उनके नाचनी चल बे हजारों में, इसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की जनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की जनकार के सदके, रघुवीर ने निज तीर को निज कान तक खींचा। कान तक बढ़िया, कान तक खींच लिया। अब इसे ये कैमरा लगा है, इसे लिया कान तक खींच। अब ये कैमरा लगा है, अब कैमरा में एक बटन है जिसको चालू करने से कैमरा चलता है। सही। अभी एक गाना गावे कि जब मैंने बटन चालू किया तब कैमरा चला, जब मैंने बटन चालू किया तब कैमरा चला। अच्छा जिसकी जो मुद्रा है धनुष तो कान तक आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नई बात क्या है? कौन सी नई बात है? कोई भी धनुष चलाए उसकी उसकी मुद्रा ही है चलाना। धनुष ऐसे थोड़ा चलाया जाता है, ले गुलेर चलाई जाती, ये चल रहा ले या इसे चला ले हो। उसकी मुद्रा ही है कान तक आना। और क्या, कौन सी नई बात है? अब तो समझ ही नहीं पावा गाने एक बढ़िया है, लेकिन ठीक कमेंट बाजी हम भी करना जानते हैं सही, लेकिन हम कर नहीं रहे थे इसलिए कि हमको करना नहीं था आपसे। जब तक अच्छा चले तब तक अच्छा लगता है, सही। जब मन मुटाव हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए गाना गाइए आप गाइए हम गाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग गाने का पैसा ले रहे हैं। सुनेगा चले लहर कह रही है, प्रभु राम ने अपने बाण से कई लोगों को मारा, कई लोगों को मारा। बिल्कुल बेटे, लेकिन ले, ले। एक आपने गाना गाया था कि मारी झुनके उनका मुख देखना चाहता है राम का, पहली बार देखना चाहता है। पहली बार, पहली बार यज्ञ में जब राम जी ने बाण चलाया था। बिल्कुल बेटा, तो वहां मारीच ने पहली बार वहां देखा था, और जब बाण मारा था तो मारीच आके इधर गिरा था, अब जान से नहीं मारा था। बिल्कुल, सारे गाने खराब कर सकता हूँ लेकिन हमको बोलना नहीं था। अरे बिल्कुल, सुने सुने दुष्ट मारीच विचार करके चला अवध में आया है। अवध में आया है, अरे पता रघुवर का पाऊंगा मन में विश्वास लाया है। इधर जान रघुवर ने पापी को धनुष अपना उठाया है, तान कर तीर, अरे तान कर तीर बिना भर का प्रभु जी ने चलाया है। और गगन भैया उसको मारा नहीं,
अरे चलाया तीर प्रभुवर ने गति संचार तक छोड़ा, मारा नहीं चलाया तीर रघुवीर ने गति संचार तक छोड़ा, तो कहना पड़ा क्या बने? रघुवीर ने निज तीर से रघुवीर ने निज तीर से सागर पार तक छोड़ा, उसको सागर पार कर दिया, मारा नहीं। अरे रघुवीर ने निज तीर से सागर पार तक छोड़ा, रघुवीर ने निज तीर से सागर पार तक छोड़ा, रघुवीर ने निज तीर से सागर पार तक छोड़ा। और इसकी चौपाई है क्या बेटे? क्या के बिन फर पान राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा, सागर पारा, सागर पार कर दिया। और क्या दूसरा? दिवस है तीन जब, अरे दिवस है तीन जब नहीं सागर वो आते हैं, अपना उठाते हैं। वाह बेटे, सागर पे धनुष तान दिया। अरे आए सागर विनय करते शीश अपना झुकाते हैं, बताते हैं दिशा उत्तर तो रघुवर सर को चलाते हैं। राम जी ने कहा ये धनुष बाण तो मैंने संधान कर लिया है, अब इसको कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए राम जी ने किया गया क्या? सार सार, अरे सागर पार दुष्टों के प्रबल संघार तक छोड़ा, सागर पार दुष्टों के प्रबल संघार तक छोड़ा, रघुवीर ने निज तीर को सागर पार तक छोड़ा, रघुवीर ने निज तीर को सागर पार तक छोड़ा, रघुवीर ने निज तीर को सागर पार तक छोड़ा, रघुवीर ने निज तीर को सागर पार तक छोड़ा। एही शर्मा में उत्तर तटवासी हरौ नाथ खल नर अग्रासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा तुर नहीं हरि राम रन धीरा, और सागर पार उस धनुष को छोड़ दिया। वाह बेटा वाह, रघुवीर ने निज तीर को। अरे पीर पीन मही मैं जानी जनक राज जो बोले, सुनते जनक के वचन लखन के फड़क उठे हैं सोले, अरे बोले रघुवर करते इशारा, बोले जनक जी आपने कैसे कह दिया कि पीर पीन मही मजानी, जबकि राज्यसभा में परमात्मा राम स्वयं विराजमान है और आपने ये कह दिया। तो लक्ष्मण जी ने कह दिया वचन जनक के सुनते लखन के फड़क उठे हैं सोले, बोले जो रघुवर कर दे इशारा, अरे गेंद सा उठा लूं मैं ब्रह्मांड सारा। बढ़िया, एक गेंद की भार इस ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। बिल्कुल, बस भैया इशारा कर दे। तो जैसे ही रघुवर ने देखा चढ़ा क्रोध का पारा, देखा लक्ष्मण जी क्रोधित है। अरे रघुवर ने देखा चढ़ा क्रोध का पारा, बैठाया लक्ष्मण को करके इशारा, कैसे कैसे? राम जी बोले नहीं किया यू यू यू, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ किया यू यू यू